तो ये देखें सबको इस तरह से बिठा के और ये कर रहे हैं पुश। वो वाव। और यहाँ पर ओम शांति ओम पे कोई इंडियन सारे गोरों को नचा रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कनाडा के विंटर्स की सबसे मज़े की एक्टिविटी। मुँह पे बाल आ रहे हैं, अभी बहुत है। जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने ग्लव्स भी पहने हैं, मोटी सी जैकेट भी पहनी है, वेलवेट की जीन्स पहनी है, विंटर बूट्स पहने हैं। तो गेस करो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज मैं एक लेके जाने वाली हूँ आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर, तो आज का व्लॉग मिस नहीं करना है, चलते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फुल तैयारी के साथ तो हम आ चुके हैं। वैसे तो आज वेदर काफ़ी ही अच्छा है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं। आई थिंक यहाँ पर -20 से स्टार्ट हो चुका था। फिलहाल आज वेदर बहुत अच्छा है, आज तो वेदर प्लस में है। प्लस में होने के बावजूद जाहिर सी बात है यहाँ पर चारों तरफ इतनी बर्फ़ है, इतना ज़्यादा ठंड है, तो फील तो हो रही है अभी ठंड, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। जैसे ये सब लगे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर बस्कर्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं। Let me show you. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ ये कर लो पहले। और यहाँ पर ओम शांति ओम पे कोई इंडियन सारे गोरों को नचा रहा है। आए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यहाँ पर ये सब बच्चे इस एक्टिविटी में बिजी हैं, छोटे बड़े सब। और ये पूरी लाइन है स्लाइड के लिए। ओ माय गॉड, अगर हम इस लाइन में लगे तो कम से कम भी हमें आधा घंटा या फिर एक घंटा तो लगेगा ही लगेगा ऊपर स्लाइड लेने के लिए। और यहाँ की मेन अट्रैक्शन ये स्लाइड है। ये ना किया तो कुछ ना किया, विंटर लूप में गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं लोग, भाई गिर रहे पड़ रहे हैं लोग यहाँ पर। जो बात है यहाँ पर मज़ा तो बहुत आ रहा है, मज़ा आ रहा है वैसे सब, है ना? तो आ रहा है, लाइन बहुत लंबी है अभी यहाँ पे हम जब होंगे तो 30 मिनट लगेंगे। 30 मिनट की लाइन तो है, लेकिन ये ना किया तो फिर क्या किया? ये ना किया स्लाइड का, स्नो वाली स्लाइड ना की कैड आगे, तो फिर कुछ ना किया। अच्छा, हमको सिखा रहा है। गाइस लाइन में मैं लग चुकी हूँ फिलहाल, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन है, तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाएगा हमें। तो मैंने फिर सलमान को बोला कि आप जाएं बच्चों के साथ एंजॉय करके आएँ। वो वहाँ पर खड़े हुए हैं और बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं और मैं यहाँ पर लाइन में लगी हुई हूँ। 2000 years later गाइस ऑलमोस्ट हम क्लोज आ चुके हैं, इसके लाइन ख़त्म होने वाली है। और सामान किस चीज़ का वेट हो रहा है? बहुत लंबी लाइन है, बट यहाँ पे है डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स का ऑप्शन है, सिंगल वाली भी है, डबल वाली भी है। हम किस में जाएंगे? वाली भी है। मैं सोचता हूँ कि बच्चे छोटे हैं ना, फैमिली वाली में ही जाएं। फैमिली वाले में चलते हैं। तो इस तरह से सब लाइन अप करके अंदर जाएंगे, वो ट्यूब लेकर आ रहे हैं, उसमें बैठाएंगे, चाहे सिंगल पर्सन हो चाहे फैमिली हो, उस हिसाब से रेंज है। जैसे वो सामने आ रहे हैं लोग, कुछ फैमिली के साथ आ रहे हैं, कुछ सिंगल में आ रहे हैं, तो ऐसे उस पर स्लाइड करते हुए ऐसे नहीं चाहेंगे।
है, फाइनली फाइनली हमारी टर्न आ चुकी है। अब यहाँ पर इस तरह की ट्यूब हमें मिलेगी और उसमें हम पटाख से बैठ के, बल्कि नहीं, इसको पहले ऊपर लेके जाएंगे ऐसे और फिर ऊपर जाके बैठेंगे इसमें। इस तरह से ट्यूब को खींचते हुए हम ऊपर लेके जाएंगे। सलमान ने बच्चों को बैठा लिया है इसमें और मैं ऐसे मजे से जा रही हूँ चलते हुए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। ओ भाई भाई, बहुत मुश्किल था वहाँ से लेके यहाँ तक आना, इतनी हैवी ट्यूब, भाग भाग के आई हूँ मैं तो। मुझे अपने घर जाना है, हालत ख़राब हो गई मेरी, इतनी हैवी ट्यूब को घसीट के लाना मेरा साथ पूरा है ना। आधे से ज्यादा एक्सरसाइज तो हमारी ऐसी हो गई। तो ये देखे सबको इस तरह से बिठा के और ये कर रहे हैं पुश। ओ वाओ, और ये सारा क्राउड आपको दिख सकता है। रात को लाइट्स का और ही मजा होगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और गाइस मैंने इस तरह से ये पूरी बॉल को घिरा करके बना लिया है और मैं अब सलमान का शॉट लेने वाली हूँ। ये शॉट छूट गया और सलमान समझ रहे हैं कि मुझे जैसे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा निशाना लेना चाह रहे हैं। बच गए, अंकल को लगता है ना तो वो बताते हैं आपको, वो बोलते तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सबसे मजे की बात ये कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम इस बार विंटर रूट फेस्टिवल को एंजॉय कर पाएंगे या हम जा पाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा कैनेडा में वैसी सर्दियां नहीं आई हैं जैसी आती हैं, क्योंकि -30 -40 तक जब टेम्परेचर जाता है तो चलो इस जगह का एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, लेकिन क्योंकि आज +1 था वेदर, कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है, तो आप लोग देख सकते हो क्राउड तो खैर काफ़ी ज़्यादा है ही, और वो जो इन्होंने पूरा स्लाइड तैयार करी है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि पता नहीं वो मज़ा आएगा नहीं आएगा, लेकिन मज़ा तो आ रहा है। और इस तरह से इसको क्लाइम करते हुए हमें जाना है और उधर जाके हमने क्रॉस करके पूरा उनको दिखाना है कि हम विन हो गए हैं। तो हम जैसे इसको क्रॉस करेंगे हम अपनी लैप को कंप्लीट करके इसको विन कर लेंगे। तो हमने विन कर लिया है। बैगन और ये पूरा मेल्ट हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया था यहाँ का वेदर ऐसा है कि +8 टेम्परेचर में ये पूरा आर्ट मेल्ट हो रहा है। तो जिस हद तक भी मैं कैप्चर कर सकती हूँ कर रही हूँ, प्रॉपर लाइट्स में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में ये। आई होप वीडियो में भी आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। तो ऐसे हम जाएंगे, ये देखो टप 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 हो रही है पूरे बर्फ की। यहाँ इन्होंने हीटर लगा के और सबको खाने पीने की जगह दी हुई है, ये फुल गर्म जगह है, यहाँ पर सब आके अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के कुछ खा पी रहे हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। हम भी कुछ खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं आगे, और भी सारी चीज़ें कवर करेंगे, बहुत भूख लग रही है तो कुछ खाते पीते फिर मिलते हैं आपसे आगे। यार खा पी लिया है हमने, बहुत इंजॉय कर लिया, मज़ा आ गया, और जैसे आप लोग देख सकते हो अब होने लगी है शाम, और शाम का तो क्या ही मज़ा है सर्दियों में। तो अभी भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जो थक गए हैं वो ब्रेक ले रहे हैं फूड कोर्ट में जाके कुछ खा पी के और फिर बाहर आ रहे हैं और फिर लाइन में लग रहे हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या एक्टिविटीज़ हमसे रह गई हैं। और ऐसे जिस तरह से ये पार्क है इसी तरह कैनेडा में 2-3 और पार्क हैं ओटावा में, जो कि जहाँ पर भी यही सब कुछ है लेकिन थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ चेंज हैं, जैसे स्कल्पचर्स थोड़े से डिफरेंट बनाए हुए हैं, कहीं कुछ और बनाया हुआ है कहीं कुछ और बनाया हुआ है। तो इस तरह से हर जगह पर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ डाल के एक अच्छी सी एक एक्टिविटी की जगह बना दी है जहाँ फैमिली जाके इंजॉय कर सकती है। अब मैं जा रही हूँ बियर मैस्कोट्स के पास, बियर मैस्कोट्स यहाँ पर हैं और वो वहाँ खड़े हुए हैं, लोग उनके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, तो मैंने सोचा हम आए हैं तो क्यों ना हम भी पिक्चर ले लें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
गाइस बहुत मज़ा आया। विंटर में यहाँ पे बहुत कम एक्टिविटीज़ होती हैं, ये फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटी है और इसमें काफ़ी हमें मज़ा आता है। ख़ास तौर पे जो स्लाइड्स हैं इसमें बहुत ही मज़ा आता है। तो ये फेस्टिवल है 2 वीक्स के लिए यहाँ पे और हमने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। कैसा लगा? मैंने भी बहुत इंजॉय किया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो आपको एक पूरा रात का व्यू भी मैंने आपको जैसे बताया था ब्लॉग के शुरू में कि यहाँ पर लाइटिंग का एक अलग ही मज़ा है। तो आए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर लाइट्स का। ये है पूरा रात का व्यू जिसमें सामने आप देख सकते हो, सामने एक्टिविटी में वहाँ पर लाइट्स ऑन हुई हुई हैं, वहाँ पर स्लाइड्स पर लाइट ऑन हुई हुई हैं। इस टाइप सारे मैस्कॉट्स हैं, वो बच्चों के साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, माँ पा इस तरह करके इनके नाम है। इस साइड पर बच्चों की स्लाइड्स हैं, उनकी राइड्स हैं और उस तरफ जो थे वो सारे बस्कर्स एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो अभी फ़िलहाल वो रुक गई हैं क्योंकि 5 बजे तक की ही थी, तो अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। काफ़ी बढ़ गई है, रात का व्यू भी दिखा दिया, दिन का व्यू भी दिखा दिया। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।